रायबरेली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में बछरावा से प्रारंभ हुई। आज की यात्रा 14 किलोमीटर चलकर गुरबख्शगंज पहुंचेगी। वहां नुक्कड़ सभा को संबोधित करेगी और पंजाबी ढाबा पर रात्रि प्रवास करेगी। यह यात्रा 5 नवंबर 2022 तक इसी तरह पूरे जिले में चलाई जाएगी। 254 किलोमीटर की यह यात्रा विगत 14 अक्टूबर से बछरावा विधानसभा के महाराजगंज के हनुमानगढ़ी परिसर से प्रारंभ की गई थी। आपको बता दें कि रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन बछरावा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील पासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह जहां भी जा रहे हैं लोग बता रहे कि वो महंगाई से बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की तकलीफ को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत की हर डैक भरी पुकार को हुंकार बनाएंगे, भारत जोड़ते जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन यानी रविवार को भी काफी भीड़ जुटी। रायबरेली जिले की विधानसभा बछरावा कस्बे में रुक रुक कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों का अभिवादन करने के लिए सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग आए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुशील पासी ने लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि वह रायबरेली जोड़ने निकले हैं, कांग्रेसी रुकने वाले नहीं हैं। आइए देखते हैं। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आपकी यात्रा का आज कहां पर आगमन है और कहां ले तक जाएंगे आप? 14 अक्टूबर से जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी जी के नेतृत्व में जनपद के सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ 14 अक्टूबर से हम लोग महाराजगंज से चले हैं और सीवर में हम लोग खजरों में रुके थे और आज रात के प्रवास हम लोगों ने बछरावा में किया है। अब बछरावा से भारत जोड़ो यात्रा हम लोग हरचंदपुर में पूर्व मंत्री आदरणीय पंजाबी सिंह के क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये यात्रा पूरे जनपद में चलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा जा रही है, जो इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, देश में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, लूट के खिलाफ कोई बात नहीं की जा रही है, देश में राजनीतिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है, सामाजिक व्यवस्था ताना बाना चौपट हो चुका है और आर्थिक व्यवस्था हमारी चौपट हो चुकी है। राजनीतिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और आर्थिक न्याय के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर जो है यात्रा करेंगे और रायबरेली में भी हमारे सभी नेताओं ने मिलकर के 14 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ की है। जनपद के कोने कोने में जाकर रायबरेली जनपद में, चूंकि लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो ताना बाना बुना इस रायबरेली में, भाईचारा बनाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आज तमाम लोग आते हैं कांग्रेस को और सोनिया गांधी को केवल गाली देने आते हैं, कोई शिलान्यास, कोई उद्घाटन करने नहीं आते हैं। वो कोई बात नहीं बता सकते कि उन्होंने हमारे रायबरेली जनपद के लिए कोई विकास किया हो। इसलिए भाईचारे के लिए, विकास के लिए और बंधुत्व के लिए रायबरेली जनपद का एक एक कांग्रेसी अब सड़क पर उतरा है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है जनमानस इसमें जुड़ रहा है। रायबरेली की आन बान शान के लिए जनता की अदालत में जाकर हम जनता के साथ जाकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ पंजाबी सिंह जी, रविंद्र सिंह जी और महेश शर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं रमेश शुक्ला जी, सभी लोग मिलकर के हम लोग इस यात्रा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।